good morning dear students today we will be learning about gautam buddha in chapter number 5 in search of peace by buddha and mahavira this is only the first part of our chapter in next week we will be doing about mahavira and we will learn about mahavira's uh, reforms and his preachings in the society so i want all of you to go through the video understand the concept and also look on your own about the different uh, teachings and preachings about the life of gautam buddha so let's start with the chapter chapter number 5 in search of peace buddha and mahavira but today we are only going to cover about buddha in the 6th century bc important reforms were done in social and religious sector in india सिकस्थ सेंचुरी में इंडिया में बहुत सारे रिलीजियस रिफॉर्म्स हुए थे इन सिक्स सेंचुरी सम ऑफ रिफॉर्मर्स वर्क अगेंस्ट सोशल इवल्स दैट हैड एंटर्ड सोशल रिलीजियस एरिया सेंचुरी में इंडिया में क्या हुआ था कि बहुत सारे एंटी सोशल एक्टिविटीज़ होने लगी थी जिसके अगेंस्ट में कुछ रिफॉर्म्स हुए और उन्होंने क्या किया कि सोशल और रिलीजियस एरियाज़ में वर्क करना चालू किया अलोंग विद दैट दे ऑल्सो वर्क फॉर रिमूवल ऑफ सोशल इनिक्वेलिटी एंड इमोरलिटीज अब जब पोस्ट वैदिक पीरियड हम देखते हैं तो पोस्ट वैदिक पीरियड में क्या था कि ऊंच नीच का भेदभाव ज़्यादा हो गया था मेरी गरीबी का हो गया था तो ये सारे जो डिस्क्रिपेंसीज़ है ये सब को अलग करने के लिए ये जो रिफ़ॉर्म्स आए थे उन्होंने क्या चालू किया जो वो काम करते थे दैट वाज टू रिमूव द सोशल इनिक्वेलिटी एंड इमोरेटीज़ गौतम बुद्ध एंड महावीर स्वामी आर मेन वंस इनमें से बहुत सारे छोटे बड़े ग्रुप्स बने जिन्होंने सोशल ये इनिकवालिटी और इमोरलिटीज़ को अलग करने के लिए काम किया लेकिन वो सब लोग ज़्यादा लंबे टाइम तक सस्टेन नहीं कर पाए लेकिन गौतम बुद्धा और महावीर स्वामी ने ये मेन कहलाते हैं क्योंकि इन्होंने बहुत बड़े काम किए बहुत कुछ चेंज किया ओके कि इसलिए इन लोगों का नाम ज़्यादा माना जाता है बाकी सब इतने पॉपुलर नहीं हुए वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द लाइफ ऑफ गौतम बुद्ध एंड महावीर स्वामी दे आर परस्यूड एंड ह्यूमैनिटी एस्टब्लिश एस्टब्लिश बाई देम अब हम इस चैप्टर में गौतम बुद्धा और महावीर स्वामी की लाइफ के बारे में पढ़ेंगे उन्होंने क्या क्या कंट्रीब्यूशन दिए सोसाइटी को इसके बारे में पढ़ेंगे और उन्होंने ह्यूमैनिटी कैसे एस्टब्लिश करी हम ये देखेंगे सो लेट्सटार्ट विद गौतम बुद्धा गौतम बुद्धा वी ऑब्टेन अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट गौतम बुद्धा एंड बुद्धिज़्म फ्रॉम जातक कथा अब जातक कथा में क्या है गौतम बुद्धा के बारे में दिया हुआ है उनके पहले के जन्म के बारे में है उनके अभी के जन्म के बारे में है और उन्होंने बुद्धिज़म कैसे क्रिएट किया उसके बारे में एंड बुद्धिस्ट टेक्स्ट जैसे कि तृप्तिकास सतपिकास तृप्तिकास मतलब तीन बुक्स थ्री बास्केट तीन बुक्स या थ्री बास्केट्स ओके okay, तो सुत्पित सुपित विनय पितक एंड अभिनंदम पितक दी दीस थ्री आर द पार्ट्स ऑफ तृप्तिकास थ्री मतलब तीन ओके okay, तो तीन बास्केट्स या तीन बुक्स अबाउट फाइव फिफ्टी जातक स्टोरीज आर एसोसिएटेड विथ प्री, प्री बर्थ ऑफ पुता करीब पाँच सौ पचास जातक कथाएँ हैं है। जो कि बुद्धा के पहले के जन्म के बारे में बताती हैं देर वॉज अ किंगडम कॉल्ड कपिल वस्तु एक किंगडम था हिमालयस के फुटहिल्स में एक किंगडम था जिसका नाम था कपिल वस्तु ओके और वायर गोइंग टूवर्ड्स नेपाल नेपाल के पास में पड़ता था द क्षत्रियस ऑफ कपिल वस्तु वेर कॉल्ड शक्यास कपिल वस्तु के रहने वाले क्षत्रिय उसको बोलते हैं शक्यास इट वॉज अ रिपब्लिक ये कैसा था ये एक रिपब्लिक था सुशोधन शुद्धोधना वॉज द हेड ऑफ़ दिस रिपब्लिक माया देवी वॉज वाइफ ऑफ शुधना शुधन जो था शुद्धोधन उसकी वाइफ का नाम है माया देवी और शुद्धोधन जो था वो ये रिपब्लिक का कपिल वस्तु रिपब्लिक का हेड था ठीक है गौतम बुद्ध वॉज बॉर्न इन हाउस ऑफ शुदोधन एंड माया देवी गौतम बुद्धा के पेरेंट्स का नाम है शुद्धोधन और माया देवी इन फाइव हंड्रेड एंड सिक्सटी सिक्स बी सी हिज चाइल्ड हुड नेम व सिद्धार्था गौतम बुद्धा का पहले नाम सिद्धार्थ था आफ्टर फ्यू डेज़ ऑफ हिज़ बर्थ हेज़ मदर माया देवी डाइड जैसे ही इनका जब जन्म हुआ सिद्धार्थ का तो उनके जन्म के कुछ समय के बाद में उनकी मदर चल बसी देर फोर ही मर देर फोर ही नर्चर्ड बाय गौतमी महाप्र प्रजापति हु वॉज़ हेज़ फॉस्टर मदर फॉस्टर मदर का नाम है गौतमी महाप्रजापति उन्होंने सिद्धार्था की बहुत देखभाल करी और उन्हें बड़ा किया फ्रॉम यंग एज सिद्धार्था वॉज़ एसोशिएटेड विद एजुकेशन एंड नॉलेज नेक्स्ट टू कपिला वस्तु देर वॉज अ मोनिस्ट्री ऑफ अ सेंट नेम्ड अलारा कलाम यंग एज से जो सिद्धार्थ थे वो एजुकेशन और नॉलेज से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे कपिल वस्तु के बाजू में एक मोनिस्ट्री थी जहाँ के सेंट का नाम था अलारा कलाम अलारा कलाम जो था वो उनके गुरु बने किसके सिद्धार्था के सिद्धार्था वेंट टू हिज़ आश्रम हियर ही मेडिटेशन हियर ही डिड मेडिटेशन सिद्धार्था इस गुरु के आश्रम में गए और वहाँ पे उन्होंने मेडिटेशन सीखा और करने लगे सिद्धार्थाज़ फादर वॉज वरीड एज ही कंटिन्यू टू डिस्कस नॉलेज एंड समाधि सिद्धार्था के पापा को बहुत मतलब उनके पिताजी को बड़ी चिंता हो गई कि कहीं ये सिद्धार्था साधु तो नहीं बन जाएगा मोंग तो नहीं बन जाएगा सिद्धार्था वॉज मैरिड एट, एट यंग एज इसलिए उनकी शादी थोड़े जल्दी एज में कर दी उनकी वाइफ का नाम था यशोधरा उन दोनों से एक बेटा हुआ जिसका नाम था राहुल अभी तो हमने पढ़ा अबाउट उनकी लाइफ के बारे में गौतम बुद्धा की उनके जन्म और उनके परिवार के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं उनके होम सेक्रीफाइस के बारे में और साधना के बारे में एट द एज ऑफ थर्टी ही डिसाइडेड टू रिनाउंस हिज रॉयल फैमिली एंड स्टेट एंड बिकम अ सेंट हरमिट एंड सर्च ऑफ ट्रूथ थर्टी की एज में जब गौतम बुद्ध पहुँचे तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी फैमिली को छोड़ देंगे अपनी सिटी को अपने स्टेट को छोड़ देंगे और क्या बन जाएंगे एक हर्मिट बन जाएंगे हर्मिट का मतलब होता है सेंट वन नाइट ही टू खिस्ट चैरियटर चना एंड हॉर्स कंथक एक रात को उन्होंने अपने चैरियटर को लिया जो चैरियट उनका चलाता था उसको उसका नाम था चना और उसके हॉर्स को लिया जिसका नाम था कंथक एंड वेंट टू द रिवर बैंक आउटसाइड हिज स्टेट और अपने स्टेट के बाहर जो नदी थी वहाँ पर वो चले गए लिविंग हिज रॉयल अटायर ही गिव ऑल हिज ज्वेलरी टू चना एंड ऑर्डर्ड हिम टू टेक कंथक अलॉन्ग विथ हिम एंड रिटर्न टू द पैलेस उन्होंने क्या किया उन्होंने अपनी सारा जो रॉयल अटायर था वो चेंज कर दिया और छोड़ दिया उन्होंने सारी ज्वेलरी जो थी वो चना को दे दी और उसे ऑर्डर दिया कि वो कंथक को ले जाए हॉर्स को ले जाए और सारी चीज़ें ले जा के वो पैलेस में वापस चला जाए ही हिमसेल्फ फोर द एस्थेटिक क्लोथ्स ऑफ द हर्मिट एंड वॉक टूवर्ड्स द जंगल उन्होंने जो साधु के कपड़े होते हैं जो एक सेंट के कपड़े होते हैं वो पहन लिए सादे से और उन्होंने जंगल में चलना चालू कर दिया आफ्टर लिविंग हेज होम ही वेंट टू राजगर उन्होंने अपना घर छोड़ा तो वो पहुँचे कहाँ राजर पहुँचे एंड देन टू पुरुवेला उसके बाद वो राजगीर से पहुँचे पुरुवेला हियर ही स्टार्टेड पेनन्स विद फाइव ब्राह्मण्स यहाँ पर उन्होंने पेनन्स पेनन्स का मतलब है जब करना पाँच ब्राह्मणों के साथ में उन्होंने चालू किया ही फेल दैट गिंग अपूड एंड वाटर एंड टोर्मेटिंग द बॉडी वुड नॉट ईल्ड नॉलेज तब उनका ऐसा फील हुआ कि अगर हम अपना खाना छोड़ देंगे या फिर पानी छोड़ देंगे और अपनी बॉडी को हम यातनाएँ देंगे मतलब अपनी बॉडी को हम टॉर्चर करेंगे तो इससे हमें नॉलेज प्राप्त नहीं होगी इससे हमें ज्ञान नहीं मिलेगा कॉन्करिंग द पाथ ऑफ सेल्फ कंश कॉन्शियसनेस एंड द डिज़ायर इज द Conquering the path of self-consciousness and desire is the major major duty of human beings. उन्होंने क्या सीखा कि उन्होंने self consciousness को प्राप्त किया conquer किया और उन्होंने एक desire बताया अपने लिए कि उनकी major duty किसके लिए है human beings के लिए Leaving five brahmins, he decided to do penance alone. ब्राह्मणों को छोड़ के उन्होंने अकेले जप करना ज़रूरी समझा सिटिंग अंडर द पीपल ट्री एट बोधगया ही स्टार्टेड साधना फ़ॉर ट्रुथ एंड एनलाइटमेंट उन्होंने अकेले बोधगया में एक पीपल के पेड़ के नीचे साधना करना चालू करी किस चीज़ के लिए फॉर ट्रुथ एंड एनलाइटमेंट के लिए। आफ्टर मैनी डेज ऑफ साधना ही गोट नॉलेज ऑन द डे ऑफ वैशाख पूर्णिमा बहुत समय के बाद जब वो साधना में लीन थे तब उन्हें नॉलेज मिला किसके लिए किस कौन से दिन को मिला वैशाख पूर्णिमा के दिन मिला ऑन एक्वायरिंग नॉलेज ही बिकेम बुद्धा एंड सिद्धार्था जैसे ही उनको नॉलेज मिला वो क्या बन गए वो सिद्धार्था से बुद्धा बन गए बुद्धा मीन्स कॉन्शियस और वाइज बुद्धा का मतलब होता है कॉन्शियस या फिर वाइज यानी बुद्धिमान लेटर ऑन ही वॉज कॉल्ड गौतम बुद्ध। बाद में उनको क्या बोला गया गौतम बुद्ध के नाम से वो फेमस हुए प्रीचिंग्स आफ्टर अटेनिंग एनलाइटमेंट बुद्ध वेन टू सारनाथ वेर ही मेट हिज ओल्ड ब्राम फ्रेंड्स प्रीचिंग्स का मतलब होता है वो टीचिंग्स जो हमें बुद्ध ने दिए हैं जो uh, सत्य की बात या जो नॉलेज की बात है जो एनलाइटमेंट की बात गौतम बुद्धा ने बताई हैं उन्हें कहेंगे प्रीचिंग्स आफ्टर अटेन अटेनिंग एनलाइटमेंट बुद्धा वेंट टू सारनाथ एनलाइटमेंट अटेंड करने के बाद जो उनका ज्ञान चाहिए था वो अटेंड कर वो मिलने के बाद में बुद्धा कहाँ चले गए सारनाथ चले गए और वहाँ जाके उन्होंने अपने पुराने पांच ब्राह्मण फ्रेंड से मुलाकात की फॉर द फर्स्ट टाइम ही प्रीच टू दो फाइव ब्राह्मण मॉन्ग्स ब्राह्मण को मॉन्स भी बोलते हैं साधु को मॉन्ग्स भी बोलते हैं ओके okay, सो so पहली बार उन्होंने अपनी प्रीचिंग किसको दी वो अपने पांच ब्राह्मण फ्रेंड्स को दी कहाँ पर सारनाथ में बुद्धा दीज फर्स्ट प्रीचिंग्स आर कॉल्ड धर्मचक्र परिवर्तन ये जो धर, ये जो बुद्धा की फर्स्ट प्रीचिंग्स थी इन्हें क्या कहा गया धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया बुद्धा गेव वेरी सिंपल सरमन टू गैटरेड ऑफ द माइजरीज ऑफ द वर्ल्ड बुद्धा ने चार नोबल ट्रुथ्स दिए फोर नोबल ट्रूथ्स दिए जिसके थ्रू आप अपने माइजरीज आप अपने दुख और तकलीफों से बाहर निकल सकते हैं पहली चीज़ पहला जो ट्रुथ था वो ये था कि जो पूरी दुनिया है दैट इज़ फुल ऑफ माइजरीज माइजरीज मतलब दुख और तकलीफें दुनिया में बहुत ज़्यादा है ये सबका रीज़न क्या है कॉज़ क्या है कि लोगों की जो ग्रीडिनेस है जो लालच है जो किसी भी चीज़ को पाने की जो एक डिज़ायर है यही कॉज है ये, ये मूल कॉज है कि दुनिया तकलीफ़ में है इस तकलीफ से निकलने का तरीका उन्होंने बताया कि आप अपनी सारी डिजायर्स छोड़ दो सारे ग्रीडीनेस छोड़ दो तो आप किसी भी चीज़ से आपको मोह नहीं लगेगा मोह मतलब आप उससे अटैच अटैचमेंट आपको फील नहीं होगा ठीक है अडोप्शन ऑफ ऑक्टोगोनल पाथ फाइनली आप बुद्धा के बताए हुए अष्टांग मार्ग पर चलिए अष्टांग मार्ग का मतलब है उन्होंने एट प्रिंसिपल्स दिए हैं एट फोल्डेड प्रिंसिपल्स दिए हैं गौतम बुद्धा ने ठीक है तो उस ऑक्टोगोनल पाथ के ऊपर चलिए जिससे कि आपकी जो डिज़ायर्स हैं जो आपकी इच्छाएं हैं जो आपका मन कहता है कि नहीं मुझे तो ये चाहिए ही चाहिए वो सारी दूर हो जाएंगी दीज फोर ट्रूथ्स एक्सप्लेन बाय बुद्ध आर नोन एज बुद्धिस्ट प्रिंसिपल्स ऑल्सो नोन एज सम्यक दर्शन ये जो चार ट्रुथ जहाँ पे बुद्धा ने एक्सप्लेन किए हैं और जो उन्होंने बताए हैं उसको कहते हैं सम्यक दर्शन बुद्धिस्ट प्रिंसिपल्स ओके अब ये सम्यक का मतलब होता है सम्यक का मतलब होता है प्रॉपरली या फिर राइट right. ठीक है प्रॉपर वे तो सम्यक दर्शन इसको क्या कहते हैं बुद्धिस्ट प्रिंसिपल्स का दूसरा नाम है सम्यक दर्शन अब एट फोल्डेड पाथ क्या होता है तो एट फोल्डेड पाथ का मतलब होता है सम्यक साइट प्रॉपर साइट होना आपका जो व्यू है आपकी जो आप जो देखते हो वो आपका प्रॉपर होना चाहिए सम्यक रिजॉल्व आप जो भी सॉल्यूशन लाते हो या जो सॉल्यूशन ढूंढते हो दैट शुड बी प्रॉपर सम्यक स्पीच आपकी स्पीच भी प्रॉपर होनी चाहिए ऐसी नहीं होनी चाहिए कि किसी को तकलीफ़ हो जाए किसी को दुख हो जाए आपकी कोई बात से किसी को हर्ट हो जाए ऐसा नहीं होना चाहिए सम्यक डीड्स डीड्स मतलब हमारे कर्म तो हमारे कर्म कैसे होने चाहिए वो भी राइट होने चाहिए किसी को हम हर्ट कर रहे हों किसी के लिए हम बुरा कर रहे हों ऐसा नहीं होना चाहिए सम्यक अर्निंग आप जो भी कमा रहे हैं ठीक है ठीके? वो कैसे होनी चाहिए वो भी राइट होनी चाहिए स्मगलिंग करके मर्डर करके वैसी वाली अर्निंग नहीं होनी चाहिए हार्ड वर्किंग से कमाया हुआ धन होना चाहिए सम्यक एक्सरसाइज प्रॉपर एक्सरसाइज करना चाहिए क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे रेगुलर करना चाहिए तो सब में बोलते हैं साइंस में भी बोलते हैं कि डेली एक्सरसाइज हमको करना चाहिए हमारी बॉडी फिट रहेगी तभी तो हम दूसरों की हेल्प करेंगे हम बीमार रहेंगे तो हम दूसरों की हेल्प कैसे करेंगे सम्यक मेमोरी आपकी मेमोरी भी अच्छी होनी चाहिए जिससे कि आप जो भी चीज़ें ले रहे हैं जो भी नॉलेज आपको मिल रहा है वो लॉन्ग लास्टिंग रहे आपके पास सम्यक समाधि फाइनली आप जो प्रार्थना करते हैं जो साधना करते हैं वो भी कैसी होनी चाहिए प्रॉपर होनी चाहिए राइट होनी चाहिए सम्यक एक संस्कृत वर्ड है जिसका मीनिंग होता है प्रॉपरली या फिर राइट ओके So these were the eight folded paths of Gautam Buddha Now we will be understanding about the how Buddha became a great reformer Now we will understand Buddha as a great reformer Buddha was a great religious and social reformer बुद्ध जो थे वो एक ग्रेट सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर थे ही वर्क लाइफ लॉन्ग टू एलिमिनेट द पॉलिटेंट्स इन रिलीजियस एंड सोसाइटी उन्होंने बहुत लंबे समय तक काम किया कि वो सोसाइटी से वो गंदगी को वो मिजरीज को अलग कर सकें ठीक है ही हैड मैनी डिसाइबल्स उनके बहुत सारे फॉलोअर्स थे मैनी किंग्स एंड स्टेट्स वे आर एंकरेज बाय हेज़ ह्यूमन रिलीजन्स बहुत सारे किंग्स और जो स्टेट थे वो उनके इस ह्यूमन रिलीजन से बहुत प्रभाव प्रभावित हुए बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुए ही डेट द फॉलोइंग रिफ़ॉर्म्स उन्होंने कौन कौन से रिफ़ॉर्म्स किए अब हम वो समझेंगे डिनाइल ऑफ गॉड एंड सोल ठीक है गॉड और सोल का डिनाइल अब ये क्या होता है बुद्धा डिनाइड गॉड एंड सोल एंड गेव इम्पोर्टेंस टू कर्माइज़म वेदास में हम पढ़ते हैं कि वेदास में भगवान को और आत्मा को बहुत इम्पोर्टेंस दिया गया है इन चीज़ों का डिनाइल करते हैं बुद्धा बुद्धा बोलते हैं कि गॉड और सोल को ज़्यादा इम्पोर्टेंस मत दो ठीक है भगवान और परमा आत्मा भगवान और आत्मा को ज़्यादा इम्पोर्टेंस मत दो मतलब बहुत ज़्यादा टाइम तुम पूजा पाठ मत करो कर्म करो डीड्स करो क्योंकि तुम्हारे जो कर्म है वो ही अल्टीमेटली विल शो व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आ ओके सो वो किसको को इम्पोर्टेंस देते थे कर्माइज़म को देते थे अकॉर्डिंग टू हिम इफ़ देर वाज गॉड सोरोस वुड नॉट हैव बीन देर वो कहते थे अगर भगवान है तो फिर दुनिया में दुख क्यों है अगर भगवान सच में होते तो दुख नहीं होते इंस्टेड ऑफ़ इंडलजेंग एंड वेलफेयर ऑफ सोल वन शड लिव अ वर्चुअस लाइफ इन द प्रजेंट हमारी आत्मा क्या करेगी कैसे मोक्ष प्राप्त करेगी उस सब इन सब चीज़ों में अपना समय नष्ट ना करते हुए आपको ये ध्यान देना चाहिए कि आप अभी कैसे इंसान हो प्रेजेंट में आप कैसे इंसान हो अगर हम मोक्ष के बारे में ही सोचते रहेंगे फ्यूचर हमारा हमारी आत्मा को कैसे मुक्ति मिलेगी हम इसके बारे में सोचेंगे तो आज जो इंपॉर्टेंट काम है हम वो नहीं करेंगे इसके लिए वो कहते थे कि भगवान और आत्मा को अलग रख के सिर्फ अपने कर्म अपने काम पे ध्यान दो दूसरा ऑपोजिशन टू रिचुअल्स अर्ली वैदिक पीरियड में पूजा पाठ करना वॉज नॉट अ प्रॉब्लम लेकिन पोस्ट वैदिक पीरियड में इट हैज़ बिकम अ सीरियस प्रॉब्लम क्यों क्योंकि पहले कैसा था कि आ, पैसे वगैरह इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होता था जिसके पास जैसा मतलब अवेलेबिलिटी होती थी वैसे वो भगवान को पूज लेते थे और भगवान खुश भी हो जाते थे पोस्ट वैदिक पीरियड में क्या हुआ बहुत सारे प्रॉब्लम्स आना चालू हो गए जैसे ऊँच नीच का मेरी गरीबी का ये सारे फैक्टर्स आए ये सारे फैक्टर्स के साथ में भगवान की पूजा बहुत मुश्किल कर दी जो अमीर थे वो तो उनके लिए इट वॉज़ ईजी क्योंकि पैसा बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने लगा लेकिन जो गरीब थे वो तो कर ही नहीं पाते थे क्योंकि उनके पास तो इतने पैसे ही नहीं होते थे तो ये सब चीज़ों से हट के गौतम बुद्धा ने क्या क्या जो आ, हमारे रिचुअल्स थे उन सब से उन्होंने हट के एक नया आ, बताया ओके तो ये जो रिकॉर्ड ये जो अपोजिशन ऑफ रिचुअल्स उन्होंने किया इसमें वो क्या बताते हैं ही अपोज रिचुअल्स परफॉर्म बाय हिंदुआज़म एंड द सेक्रीफाइस ऑफ एनिमल्स इन द यज्ञास अब पहले हिंदुज़म में क्या होता था कि जो जैसे मैंने बताया कि पैसे इन्वॉल्व होने लगे और बहुत सारी चीज़ों का डिमांड किया जाता था अगेन टू बी परचेज बाय मनी इट्सल्फ ठीक है और साथ में जो ह्यूमन जो ये एनिमल सेक्रीफाइस होते थे बलि चढ़ाई जाती थी एनिमल्स की उसके भी वो अगेंस्ट थे ही सेट दैट नॉन वायलेंस इज़ द हाइस्ट वैल्यू जो अहिंसा का मार्ग है उसका ही सबसे ज़्यादा महत्व है हम क्यों अपनी पूजा करने के लिए बेचारे जानवरों की जान ले लें द ग्रेटेस्ट ड्यूटी ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स इज़ टू ट्रीट एनिमल्स नॉन वायलेंटली सबसे बड़ा हमारी जो ड्यूटी है वो ये है सारे ह्यूमन बींग्स की कि हमें एनिमल्स को बहुत ही प्यार से ट्रीट करना चाहिए उनके साथ पे वायलेंट नहीं होना चाहिए उनको मारना पीटना नहीं चाहिए ये ऐसा ये बात किसने कही ये गौतम बुद्ध समझाते हैं तीसरी चीज़ ऑपोजिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ हाई एंड लो ऑपोजिशन उन्होंने किसके लिए किया वो कहते हैं कि कोई भी बड़ा अमीर गरीब ऊंचा नीचा नहीं होता सब एक बराबर है भगवान ने किसी को जान मुझ के अमीर या जान मुझ के गरीब नहीं बनाया है ठीक है एट दिस टाइम डिवाइडेड इंटू फोर वर्णास जब गौतम बुद्ध आए तब तक हिंदुआज़म चार भागों में डिवाइड कर दिया गया था चार वर्णों में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये जो डिविजन हुआ था दैट वॉज़ बेस्ड ऑन देयर वर्क ठीक है लेकिन इस चीज़ को सोसाइटी में इतना ज़्यादा एब्जॉर्ब किया गया कि एक्चुअली डिस्क्रिमिनेशन हम आज भी देख सकते हैं बुद्ध ओपोजिट इज़ वर्ण सिस्टम बुद्धा जो थे उन्होंने अपोज किया इस वर्ण सिस्टम को ही सेड बींग बोर्न इन हाई फैमिली डज़ नॉट मेक एनी वन ग्रेट वो कहते हैं कि अगर कोई इंसान अमीर फैमिली में या रॉयल फैमिली में बॉर्न हुआ है इसका मतलब वो ग्रेट है ऐसा नहीं है ही बिकम्स ग्रेट बाय हिज डीड्स बाय हिज कंश कंसाइंस बाय फॉलोइंग द पाथ ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस आदमी बड़ा बनता है अपने कर्मों से अपने कंसाइंस से अपने जब वो सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलता है तब आदमी ग्रेट बनता है ही हाईली अपोज द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ हाई एंड लो प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी और उन्होंने सबसे ज़्यादा अपोज किया ये जो आ, भेदभाव चल रहा था ऑफ हाई एंड लो ठीक है जो सोसाइटी में चल रहा था इस चीज़ को उन्होंने सबसे ज़्यादा अपोज़ किया फाइनली आया द इम्पोर्टेंस ऑफ वुमेन बुद्धा गेव इक्वल इम्पोर्टेंस टू वुमेन एज टू मैन पहले कैसा होता था कि औरतें घर का ही काम करेंगी उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था उनको बहुत दबा के रखा जाता था अगर लड़की पैदा होती थी तो उसको मोस्टली मार देते थे ठीक है तो गौतम बुद्धा ने बोला कि नहीं औरतों का भी इक्वली इम्पोर्टेंस है दुनिया में जैसे मैन का है वैसे ही वुमेन का है ही सेट द पाथ ऑफ निर्वाणा इज ओनली इज नॉट ओनली फॉर मैन वुमेन कैन ऑल्सो वुमेन कैन ऑल्सो अचीव निर्वाणा थ्रू साधना एंड ड्यूटी उन्होंने कहा है ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि भगवान की पूजा या जो भी हम साधना करते हैं वो सिर्फ आदमी कर सकते हैं औरत भी निर्वाणा के मार्ग पे चल के अपना जो साधना है और अपनी ड्यूटी जो है वो कर सकती है ऐसा नहीं लिखा है कहीं भी कि मैन और विमेन अलग अलग है ओके सो दिस वाज अबाउट द हाउ गौतम बुद्ध बिकेम द ग्रेट रिफॉर्मर एंड अबाउट हिज फोर रिफॉर्म्स निर्वाणा बुद्ध एंड टेन सॉरी बुद्धा अटेंड एनलाइटमेंट इन शेडो ऑफ द बोधि ट्री ऑन वैशाख पूर्णिमा अब ये तो हमको मालूम है कि बुद्धा को एनलाइटमेंट कब मिला वैशाखी पूर्णिमा के दिन मिला और कहाँ मिला तो बोधगया में जो बोधी ट्री है जो पीपल का ट्री है उसके नीचे वो बैठ के जब साधना कर रहे थे तब मिला बाय एक्वायरिंग नॉलेज बुद्धा कंटिन्यूड रिफॉर्मिंग सोसाइटी एंड रिलीजियस इन इंडिया अब उन्होंने क्या किया कि ये नॉलेज जो ये ज्ञान था ये प्राप्त करने के बाद में उन्होंने अपनी जो रिफॉर्म्स थे वो सोसाइटी में चालू रखे और इंडिया में जो रिलीजन था उसको भी कंटिन्यू करा ही लेट मैनी पीपल टूवर्ड्स राइटियस पाथ उन्होंने बहुत से लोगों को सही रास्ता दिखाया गिविंग preachings ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस ही ऑपोज ईटिंग ऑफ नॉन वेजिटेरियन फूड एंड हाई एंड लो डिस्क्रिमिनेशन अब अपने जो वो प्रवचन देते थे जो टीचिंग्स देते थे जो प्रीचिंग देते थे उसमें उन्होंने क्या कहा अपने प्रवचनों के थ्रू उन्होंने बताया कि सत्य के मार्ग पे चलना चाहिए अहिंसा नहीं करना चाहिए और ऊँचे और नीचे का जो डिस्क्रिमिनेशन था जो भेदभाव था उसको दूर किया ही डायड एट द एज ऑफ एटी ईयर्स इन कुशीनारायण अटेंड निर्वाणा मोक्ष की निर्वाणा का मतलब होता है मोक्ष सॉरी ही डाइड वो कब ख़त्म हुए जब वो अस्सी साल के थे तब कुशीनारा नारा में कुशीनारा में उनकी मृत्यु हो गई और उन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया बट हिज आइडियाज एंड रिलीजन स्टिल अलाइव इन वर्ल्ड उनके जो आइडियाज़ और रिलीजन थे वो आज भी दुनिया में मौजूद हैं भले ही वो नहीं है और उनके इस धर्म को बुद्ध से बना एक धर्म जिसका नाम है बुद्धिज़म ठीक है उनके जो बेटे हैं या उनके जो ग्रेट डिसाइपल्स हैं वो लोग आज भी बुद्धिज़्म को आगे फॉलो करवा रहे हैं ओके सो विद दिस आई एंड माय चैप्टर ओवर हियर थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो गाइस आई वुड रिक्वेस्ट यू टू जस्ट गो थ्रू द कंसेप्ट ऑफ बुद्धा I am not going to start with Mahavir Swami right now. This was my end of part one of chapter number five in search of peace. We have only finished till Buddha. I want you to search more and more facts and figures about Buddha and his life and his preachings. Okay. We will be discussing everything during our 6 to 7 meet, and I want all of you to just go through it and please, please do subscribe to my channel so that you don't miss even any video or even a single video whatever video i am going to upload next week will directly come to you as a notification in your mailbox or on your phone so please do subscribe uh, subscribe to the channel and i want all of you to go through only to, to the buddha what i have taught is only a part of what we have what he has done actually has done many great things so i want you to go through a search read books you can even google if you want but then you should understand what he has done thank you for watching my video once again good day